जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, झाड़ू लगाना, सही करना, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो अभी आज मैं पहनूंगी ये येलो सूट, और अभी तक कहीं मंदिर जाने का प्लान नहीं हुआ है, तो मैं करूँगी घर पर ही पूजा। और मैं अभी जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो वही नानी से पहले मैंने अपना ये सारा सामान इस अलमीरा में शिफ्ट करना है। तो मैं दोबारा देख रही थी कि इसमें कुछ और मिल जाए पहनने के लिए, और मुझे मिला ये पर्पल वाला सूट, पर ये है स्लीवलेस स्ट्रिप्स वाला। तो इसमें पहननी पड़ेगी स्वेटर। और मेरी मम्मी क्या कह रही हाइनक अंदर से जैसे पहले बचपन में पहनते थे। छोटी बच्ची हो क्या? बच्ची तो हुई। मेरी मम्मी कह रही है सूट के अंदर से हाइनक पहन ले, बोल कितनी ऑड लगूंगी मैं। पूरा बेड खाली करने के बाद ये सारे कपड़े आज मेरे को छांटने हैं। जो चाहिए वो रखूंगी, जो नहीं चाहिए वो दे दूंगी। बहुत देर से मैं कंफ्यूजन में हूँ कि येलो सूट पहनूं या ग्रीन सूट पहनूं। अगर मैं ग्रीन पहनूंगी तो मेरा आज पहाड़ी फोटोशूट भी हो जाएगा वेस्टकोट के साथ एंड परिंदा सर पे। तो अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है, या तो फिर नेक्स्ट डे करना पड़ेगा। तो मेरे को मन तो यही कर रहा है इसी को पहन लेती हूँ। मैं नहाने के लिए यूज़ कर रही हूँ उपटन, जो मैं अभी शिवानी की शादी से पहले कुछ टाइम पहले ही करना स्टार्ट किया। इसको मैं लूँगी सिर्फ इतना, ये मेरी बॉडी के लिए इनफ है। और इस पर मैं मिलाऊँगी शहद। और जब से मैं उपटन यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊँगी कि मेरी जितनी भी मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो जाड़ों में तो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मतलब थोड़ा सा भी स्क्रैच करोगे तो एकदम वाइट सा दिखने लग जाता है ड्राई स्किन में। जिसकी होगी उसको पता होगा ये सब। तो मेरी स्किन में इतना इफ़ेक्ट पड़ा है, इतना इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि पैराफिन फ्री है, नो सल्फेट एंड नो केमिकल, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। तो मैं अभी शिवानी की शादी से पहले से कुछ टाइम पहले से उपटन यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है उपटन का। नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरली होते हैं ना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शहद, ये भी बिल्कुल नेचुरल है, पापा ने कहीं पहाड़ से मंगवाया है शहद को। तो ये उपटन यूज़ करने के बाद मैंने तो साबुन यूज़ करना बंद कर दिया, मैं सिर्फ अब इसी से नहाती हूँ। अब मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स फटाफट से, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कटोरी हिल जा रही है। तो मैं इसको फटाफट से मिक्स करती हूँ, उसके बाद फाइनली मैं नहाने जा रही हूँ। तो मेरा उपटन हो चुका है मिक्स अच्छे से, और ये जो करना था ये मुझे नहाने से एक घंटे पहले कर लेना चाहिए था। मैं उठी आज लेट उठी एक तो, और उसके बाद फिर मैंने सीधा काम किया तो मैं भूल गई, फिर मेरे को याद आया कि भिगाना था। तो चलो अब इससे ही कर लेते हैं। एक घंटे पहले भिगा देती तो ज़्यादा और अच्छा रिज़ल्ट मिलता, मतलब रिज़ल्ट तो इससे भी मिलेगा, उससे और अच्छा मिलता। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने का ये फ़ायदा ये है कि इससे ये रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब इफ़ेक्ट करेगा, किसी को करता है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी को करेगा किसी को नहीं करेगा, पर ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली नहाने। मैंने नहा लिया है और अब मैं सब लोग का व्रत है तो भाविश ने व्रत नहीं लिया, तो मैं भैया के लिए बना रही हूँ मैगी। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा टचअप, फिर करेंगे पूजा। तो पहले मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ। ले जल्दी पकड़। ओए फूड। हाँ।
पूजा करने के बाद मैं अभी बैठी हूँ धूप पे। और आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। इसलिए कि शिवानी को इतना मिस कर रही हूँ। मुझे अब फील हो रहा है कि उसकी शादी हो गई है, मतलब इतना अभी वो होती तो हम लोग कहीं मतलब कुछ भी करते, इधर उधर नहीं, मंदिर ना भी जा पाते तो घर पे ही कुछ। पर अभी मुझे इतना अकेला फील हो रहा है ना, उसकी कमी अब महसूस हो रही है, तो आज लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसको, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं उसको। अभी जब तक वो हम दोनों साथ थे, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो हमें मतलब मैं कहूँ कि मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम दोनों बहनें इतनी हर जगह साथ जाना, हर जगह गई, तो अब बहुत अजीब फील हो रहा है। आज मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। अब तो मौसम भी काफ़ी मस्त होने लग गया है, जाड़ा जा रहा है और गर्मी आ रही है, तो ये जो बीच का स्प्रिंग सीज़न होता है ना, मस्त मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और ये देखो इतनी ऊपर फ्लाई हो रही है, हाई फ्लाई। दिन भर बोर होके मैं भी आई हूँ अपने दूसरे वाले घर आमा से मिलने। आमा तो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। और ताई यहाँ काट रही है गाय भैंस के लिए कुट्टी, आमा को ढूंढ रही थी, आमा आई नहीं, कट गई। आप बड़ी जल्दी घास काट लाए, मैं चलाऊं। लो चलाएगी, लो ये बनाओ, वहाँ से बनाओ, कट गया या बंद? ये है हमारी भतीजी। ताई को भी ब्लॉगिंग करनी आ गई, आप थोड़ी पीछे खड़े हो तब आएगी। मैं पूरी आ रही? हाँ पूरी आ रही। कुट्टी भी आ रही? हाँ ये मशीन आ रही पूरी। तो हमारी ताई को भी ब्लॉगिंग करनी आ गई। ये देखो कैसे बचपन में काटते थे हम लोग, तब वहाँ होती, पहले वहाँ थी वाली। हाँ दुपट्टा फटेगा। हाँ ये वाली घास तो सॉफ्ट होती है ना ताई काटने। हाँ हाँ जमाता है बरसी में, थोड़ी सी रुकना है। अब चलो हमारी सेंटा क्लॉस आ गई गाय बच्चियों को गिफ्ट देने। बिल्ली ढूंढ रही है अपना शिकार, म्याऊ। कहाँ से घुस हो रही है उसको अंदर, चिलकोठरी में चूहों के लिए जा रही होगी ना। अभी आजकल हमारे वहां आई थी दो बिल्ली, इतना गंदा रो रही थी रात रात को। ताई ने दिया मुझे इतना सुंदर धनिया, अब मैं जा रही हूँ घर को।
घर पहुंच के मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मेरा मन कर रहा था आज फ़ोटोशूट कराने का, तो आज मैं बिल्कुल पहाड़ी लुक में फ़ोटोशूट कराने वाली हूँ। तो ये परांदा है जिसको महिलाएं अपने सर में ओढ़ती हैं, सर ढकती हैं इससे। तो मैं अभी इसको बांध लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे फ़ोटोशूट करने। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ फोटोशूट कराने, और उसके बाद मिलते हैं। तो वही, मैं आ चुकी हूँ फोटोशूट करवा के और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाए, तो उसमें एक दो ही सेलेक्ट होनी होती है वो, और फोटोज़ भी काफ़ी सारे खींचे क्योंकि कुछ फोटोज़ मेरे भाविश ने खींच दिए थे और उसके बाद मैंने फ्रंट कैमरे से सेल्फी लेके खींचे। अब पता नहीं कैसे आए वो, अभी देखती हूँ। और अभी अंधेरा भी होने वाला है तो पहले चेंज वेंज करके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ मम्मी ने बना दिया खाना, कद्दू की सब्जी, आलू, और अभी बनाएगी पूरी। मम्मी कर रही है यहाँ पूजा। मम्मी का खाना बन चुका है और मैं जा रही हूँ ये ऊपर गाय और बैल को खिलाने। मैं आ चुकी हूँ उनकी तलाश में ऊपर और मुझे लग रहा है शायद वो आज आए ही नहीं। एक बार ऊपर तक देख आती हूँ। गाय तो मेरे को मिली नहीं, तो ये देखो शाम का सनसेट का व्यू कितना प्यारा है। ये सीन ना मेरा फेवरेट है, मज़ा आता है इसको देखने में। काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है और खाना बन गया है। मम्मी ने बनाया कद्दू और ये तोड़ की सब्जी, तोड़ और आलू मिक्स है, और चावल।